हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल सोर्सेज चैनल में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे 0-12 ट्रांसफार्मर का आउटपुट एसी 12 वोल्ट को कैसे डीसी 12 वोल्ट में कन्वर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमको जो चाहिए एक 0-12 ट्रांसफार्मर, चार पीस IN4007 डायोड, 1000 माइक्रोफैराड, 25 वोल्ट कैपेसिटर, इनपुट के लिए एक एसी कॉर्ड और आउटपुट के लिए कुछ वायर चाहिए। यह हम देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का एक साइड में एसी 230 वोल्ट लिखा है। ये साइड हमारा प्राइमरी साइड है। यह हम देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का दो पॉइंट है। इन दो पॉइंट में हम एसी 230 वोल्ट इनपुट देंगे और हम दूसरी साइड में यानी सेकेंडरी साइड में हम देख सकते हैं 0-12 लिखा है। ये हमारा 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। ये साइड ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड से 230 वोल्ट इनपुट देने से सेकेंडरी साइड में से 12 वोल्ट आउटपुट होगा एसी। तो इस साइड से हम एसी 12 वोल्ट आउटपुट लेने के लिए दो येलो वायर जोड़ लेंगे। अब हम 4007 डायोड लेंगे। इन डायोड से हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे, इसलिए हमको डायोड का पॉजिटिव और नेगेटिव पहचानना पड़ेगा। यह हम देख सकते हैं डायोड का एक साइड में सिल्वर कलर है और एक साइड में ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर हमारा पॉजिटिव है और सिल्वर कलर का साइड हमारा नेगेटिव है, यानी ब्लैक कलर एनोड और सिल्वर कलर कैथोड। अब हम दो डायोड की सिल्वर कलर का साइड यानी कैथोड साइड हम मोड़ लेंगे। उसके बाद और दो डायोड ले लेंगे। इन दो डायोड की पॉजिटिव साइड यानी ब्लैक साइड एक साथ मोड़ लेंगे। अब हम इन चार डायोडों को कुछ इस तरीके से जोड़ लेंगे। आप लोग घुमा के भी जोड़ सकते हैं। अब हम एसी 12 वोल्ट आउटपुट का लाइन डायोड में जोड़ेंगे। यह हम देख सकते हैं दोनों डायोड का पॉजिटिव साइड एक साइड में है और यह हम देख सकते हैं दोनों डायोड का नेगेटिव साइड एक साइड है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक डायोड का पॉजिटिव और एक डायोड का नेगेटिव है। इस साइड पे भी हम देख सकते हैं एक डायोड का पॉजिटिव और एक डायोड का नेगेटिव है। तो जिस साइड में एक डायोड का नेगेटिव और एक डायोड का पॉजिटिव है, उन दो साइड में हम एसी लाइन इनपुट देंगे। अब हम डीसी आउटपुट का कनेक्शन करेंगे। जिस साइड में दोनों डायोड का नेगेटिव साइड है, इस साइड से हमारा पॉजिटिव डीसी निकलेगा और जिस साइड में दोनों डायोड का पॉजिटिव साइड है, इस साइड से नेगेटिव डीसी लाइन आउटपुट होगा। उससे पहले हम कैपेसिटर जोड़ लेंगे। आप 12 वोल्ट 1 एम्पियर के लिए 1000 माइक्रोफैराड का 16 वोल्ट 25 वोल्ट या 35 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यह हम 25 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं। यह हम देख सकते हैं कैपेसिटर का दो लेग है, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा वाला लेग पॉजिटिव और छोटा वाला लेग हमारा नेगेटिव है। उसके सिवा हम देख सकते हैं कैपेसिटर का एक साइड में नेगेटिव का सिंबल है और दूसरी साइड में हमारा पॉजिटिव है। अब हम कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड को दोनों डायोड का नेगेटिव साइड में जोड़ लेंगे। उसके बाद कैपेसिटर का नेगेटिव साइड को हम दोनों डायोड का पॉजिटिव साइड से जोड़ देंगे। उसके बाद हम कैपेसिटर का नेगेटिव साइड से एक नेगेटिव वायर जोड़ लेंगे। तो यहाँ से हमारा डीसी नेगेटिव लाइन आउटपुट होगा। अब हम कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड में एक रेड वायर कनेक्शन कर लेंगे डीसी पॉजिटिव लाइन आउटपुट होने के लिए। अब हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक कर लेंगे। तो इसलिए हम मल्टीमीटर का नॉब को डीसी 20 वोल्ट पे सेट कर लेंगे।
अब मीटर का दोनों प्रोब को हम डीसी 12 वोल्ट से जोड़ के देखेंगे। यह हम देख सकते 13 वोल्ट कुछ समथिंग है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।